भाई दीवारवान जनाब उमर अब्दुल्ला साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी जनाब अली मोहम्मद सागर साहब, हमारी रूहानी शख्सियत हजरत मियां आफताब साहब, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जो अभी बने हैं जनाब अजय सल्होत्रा साहब, और हमारी इस खत्ता की विभाग के अगर जनाब जाबिर नाना साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा, मुंतजमीन इजलास जनाब ताज बजार साहब से लेकर के तमाम कारकुनान और खत्ता यतीम भंडार की अजीम शख्सियत, अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं गप नहीं दूंगा, लेकिन मैं कल ही जमात में जो बातें आप हजरात की वो सुझा करके इस स्टेज पर विदा कहूंगा, मैं अपनी पार्टी लीडरशिप और आवाम की तवज्जो और यहाँ के डेलीगेट साहिबान की तवज्जो स्टेज की जानिब चाहता हूँ। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मैं आज सुरनकोट की खूबसूरत धरती पे जोन पीर पंजाल के जानिब से और पार्टी वाले क्यादत के फैसले के मुताबिक आज के अजीम उशाह डेलीगेट सेशन को खुशामदीद कहते हुए मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ को इस जानिब दिलाते हुए कि हमारी तंजीम बिलखसूस हमारा खिता यतीम पंजाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जान है और इन लोगों के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया जानती है। बिलखसूस नौजवानों, मैं तुम्हें दावत फिक्र देना चाहता हूं कि आपने बुजुर्गों के पास बैठे और ये उनसे सबक हासिल करने की कोशिश करें कि वो कौन सी क़यादत है कि जिस क़यादत ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अजीम नाम कमाते हुए हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अजीम मकाम दिलवाया। मैं बसुर के साथ कहना चाहता हूं कि कर्ण सदीर की अजीम क़यादत बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने सलाहों को कबूल करते हुए जेलों की सौगतें बर्दाश्त करते हुए आप लोगों की खातिर, मेरे बाप की खातिर, मेरे दादा की खातिर, आपके परदादा की खातिर सलाहों को कबूल किया, जेलों को कबूल किया, लेकिन आपको आजादी दिला करके आपको मददगार किया, आपको मददगार अंदर से धीरे को सलीका आगे बढ़ाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की शख्सियत। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई पार्टी नहीं बल्कि वो तहरीक है। क्या था नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाबा कौम वजूद में न आते तो आज की हम हजारों गुलामियों के अंदर मुबतला होते। अरे आप आपको कोई 50,000 का ठेका दे दे या कोई 1,00,000 का काम दे दे तो आप कहते हैं बड़ा काम कर दिया। मेरा सोचो किसने दी है ये मकान से जीने का सलीका आपको किसने दिया है? 370 जैसी नियामत और 35 जैसी नियामत और बालकार रियासत आपको किसने दी थी? ये शेख शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की क़यादत ने दी थी। मैं और अब्दुल्ला साहब आपके कारवा में खिता यतीम पंजाल की अजीम शख्सियात और बिलखसूस मैं आज के इस स्टेज से आपसे कुछ मुतालबा करना चाहता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि आप नौजवान कायद है, आप पूर्ण देश लीडर है, आप पार्टी के अंदर मजीद जान डालने की कोशिश करते हैं। आपने दुआ किया हमारे कायद जोन पीर पंजाल के सदर जनाब जावेद राणा साहब की क़यादत पे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आपकी सरपरस्ती के अंदर जहां चारों तरफ से जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, लेकिन आपका ये शेर, आपका ये कायद, आपका आपकी क़यादत पे खड़ा होकर के जोन पीर पंजाल के लोगों को मुस्तकिम करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को बुलंद कर रहा था। न सलाहों की बर्बाद की, न जनों की बर्बाद की, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा किया। नेशनल के अंदर हजारों के लोगों ने आपका इस्तेकबाल किया और पूरे जोन पीर पंजाल के अंदर एक बार हमें इस्तेकबाल हुआ। लेकिन मैं साहब आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि पार्टी आपकी झोली में ये तमाम की तमाम सीटें जीत करके आपकी झोली में डाले, इंशाअल्लाह ताला मैं बसूत के साथ कहता हूं कि अगर
के पार्टियां इंसाफ से आगे चलती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा कोई किसी से इंसाफ नहीं कर सकता। और पार्टियों का इस्तेकाम जो है वो एक तंत्राइज की वजह से होता है। मैं जनाब से मुतालबा करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि क्यों पूरे जुर्म की फुटबॉल की आज वर्षी का जीत करके हम आपके आपकी गली में डाले तो आपको इंडिविजुअल शख्सियत को सामने रख करके आपको एक बड़ा फैसला लेना होगा कि आप अगर चाहते हैं कि इंसाफ किया जाए आज जहां पर पूरे जुर्म की फुटबॉल की लीडरशिप यहां पर बैठी हुई है आपको बड़ा फैसला देना होगा। और हम ये चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट्री सीट जो जो कि राजौरी पांच अनंतनाग सीट है वो हम जीत करके आपकी जोड़ी में डालना चाहते हैं। उसके लिए आप अपना फैसला लेते हुए कि जिस तरीका से दादा नाना साहब एक बाबा प्रवासी के साथ पूरे जोर की जिम्मेदारी सवाल करके चल रहे हैं अगर हर लीडर इस अंदाज से आगे निकलेगा और इंशाल्लाह ताला पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक सैलाब आ जाएगा इंशाल्लाह। मैं